हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल मेरे किचन स्पाइस पेंट्री में आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादातर फेस्टिवल के टाइम हम इसे बनाते हैं। एक मीठी स्नैक्स है एंड बहुत ही टेस्टी बनता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके इसे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट होम मेड होम फ्रेश गुजिया बन के रेडी हो जाएगा। शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया, ऐड कर दिया चुटकी भर नमक, 3 से 4 टेबलस्पून घी। अच्छे से सारे कुछ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें घी का ही यूज़ करना है तो मिक्स अच्छे से कर लिया। अभी मैदा को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से जुड़ रहा है और प्रेस करने पे चूर चूर भी हो रहा है। इसका मतलब है हमने मैदे में अच्छे से मोयन ऐड किया। अभी धीरे धीरे पानी ऐड करके एक टाइट सा डो हम बना लेंगे। रोटी पराठे के लिए जैसे हम डो बनाते हैं सॉफ्ट वाला, वैसा नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा टाइट डो बनाएंगे, इसलिए पानी धीरे धीरे ही ऐड करना है। तो एक टाइट सा डो बन चुका है। अभी इसे एक गीला कपड़े से ढक के इस तरह से रख देना है। यहाँ पे मैंने लिया मावा, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट पाउडर, सूजी। सारी चीज़ों को हल्का हल्का भून लेंगे। कढ़ाई हल्का सा गर्म हो चुका था, मैंने ऐड कर दिया मावा, हल्का सा इसे भून लिया। अब इसे बोल में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में ऐड कर दिया थोड़ा सा घी, ऐड कर दिया सूजी, हल्का सा सूजी को भून लेंगे। हल्का सा सूजी भूनना हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ड्राई फ्रूट्स, मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया। अभी इसे हल्का सा भून लेंगे। लास्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट पाउडर, अच्छे से मिक्स करके इसे भी हल्का सा भून लेंगे। सारी चीज़ को हल्का सा ही भूनेंगे और हमें ख्याल रखना है स्टफिंग जलना नहीं चाहिए, तो टेस्ट एक बार जल जाएगा तो टेस्ट एकदम बर्बाद हो जाएगा। ऊपर नीच करके इसे रख देंगे और पूरा ठंडा होने के बाद इस पे मैंने ऐड कर दिया चीनी, इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ख्याल रखना है गरम रहते हुए हमें चीनी का पाउडर ऐड नहीं करना है, उससे पानी छूटेगा और पूरा स्टफिंग गीला गीला हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। तो हाथ में थोड़ा सा स्टफिंग तो रेडी है। अभी हाथ में थोड़ा सा घी लेके मैंने पेड़ा काटने से पहले मैदा को फिर से एक बार गूंद लिया। अभी इससे छोटा छोटा पेड़ा काट लेंगे और इसे ढक के रख देंगे। ढकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा और ऊपर क्रैक्स आ जाएगा मैदे के ऊपर। एक एक करके पेड़ा लेंगे और बेल लेंगे। अभी परफेक्ट शेप देने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है हमने एक एक पेड़ा लेके इसे बेल लिया और इस तरह का एक शार्प एज वाला कटोरी लिया, प्रेस करके एक गोल सा पोर्शन काट लेना है और एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो हटा देना है, वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अभी इसे हाथ में लेके साइड का जो पोर्शन है एजेस है उसे फिर से एक बार प्रेस कर करके इसे फैला देंगे और अंदर थोड़ा सा कटोरी बना के इसमें एक एक स्पून स्टफिंग हम डाल देंगे। साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। स्टफिंग कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। तो पहले मिडिल वाला पोर्शन जुड़ दिया, फिर साइड, अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और अंदर का स्टफिंग बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से मैंने जुड़ लिया। अभी जो एंड पोर्शन है उसे फोल्ड किया, अंदर की तरफ लिया और प्रेस किया। इस तरह से पूरा हाफ सर्कल जो बना हुआ है हमें कंप्लीट करना है, अच्छे से प्रेस करना है, नहीं तो तेल के अंदर जाके ये खुल जाएगा। और एक लिया और फॉर्क के मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना दिया। आपके पास अगर मोल्ड है, साँचा है, तो उससे भी आप लोग बना सकते हैं। तेल गर्म हो चुका था पर तेल का टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा एक मैदा का पीस देखे मैंने देखा, हल्का सा बबल उससे निकल रहा है, तो वही वाला टेम्परेचर हमें चाहिए। पूरी के टाइम हम चेक करते हैं तो वो मैदा का जो टुकड़ा हम देते हैं वो तुरंत ऊपर आ जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। हल्का सा तेल गर्म हो चुका था, एक एक करके मैंने गुजिया इसमें डाल दिया और इधर उधर करके 3-4 बार हमें साइड चेंज करना है और हल्का गोल्डन ब्राउन करके इसे फ्राई कर लेना है।
तो फ्राई हो चुका है, यही कलर हमें चाहिए। इससे पता चलता है कि गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। 3-4 बैचेस में मैंने पूरा गुजिया फ्राई कर लिया। बस हमारा होममेड होम फ्रेश परफेक्ट गुजिया बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम कुछ दिन प्रिजर्व करके भी खा सकते हैं। सबको स्पाइस पेंट्री की तरफ से हैप्पी होली। अच्छे से कलर फेस्टिवल एंजॉय कीजिए और साथ में गुजिया। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।